बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना के धर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम ही जब ना होंगे तो ऐ दिल रुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, ना देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना के धर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हों कि ना हो, लेकिन बदन की बात बिना उसकी सोल के नहीं की जा सकती है। और क्योंकि बदन में आत्मा है इसीलिए जज्बात हैं, जज्बात यानी इमोशंस हैं, तो एहसासात यानी फीलिंग्स हैं। तो फिर बॉडी से सीधे फीलिंग्स का कनेक्शन आप जोड़ के देखेगा क्या निकलेगा। तो वही सब करने वाले हैं हम आज जुड़नामा के स्पेशल एपिसोड में। अब आप सोचेंगे कि स्पेशल कैसे ये एपिसोड, ये कह तो रही हैं स्पेशल है, क्या कोई गेस्ट आने वाला है या कुछ स्पेशल होने वाला है। देखिए, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सारे एपिसोड्स मेरे बड़े स्पेशल हैं। तो जब भी मैं कहूँ आपसे कि स्पेशल एपिसोड है आज का, आप समझ जाएगा कि मुझे बहुत मज़ा आया आज का एपिसोड लिखने में, बनाने में। और अगर आपको भी सुनने में मज़ा आया हो तो मुझे एक मैसेज करके बता दीजिए आप इंस्टाग्राम पर, मेरा दिल बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि मेहनत वसूल हो गई है। खैर, द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज बात करेंगे बदन की, जिससे मुराद अमूमन होती है डिजायर्स, फिजिकल इंटीमेसी और सेंसुअलिटी। और जैसा मैं अभी कह रही थी कि इंटीमेसी के डिजायर, सेंसुअलिटी वगैरह जज्बात हैं, तो किसी के करीब आने की ख्वाहिश बदन या जिस्म से ही होकर गुजरती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले इंटीमेट हो जाएं और उसके बाद वो डिजायर्स और आपको पागल करती रहें। ऐसा भी तो होता है कि दिमाग में वो वसल की तस्वीर इतनी ज्यादा हम गड़ोगे बना लेते हैं कि उसके बारे में सोच सोच के, उस पर फिक्सेट कर करके हमारी ख्वाहिशात और बढ़ने लगती हैं, डिजायर्स और बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से ये ख्वाहिशात बदन से होके गुजरती हैं हमेशा। तो पोएट्री में जिस्म और बदन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो आज पॉडकास्ट में बदन के थीम को पहले अट्रैक्शन के जज्बे के हवाले से समझेंगे, जब शायर महबूब को उसके बदन को नॉस्टैल्जिया, फैंटसी और माजी के चश्मे से देख रहा है। फिर पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में वो अशआर पढ़ेंगे जब शायर बिल्कुल एक्सप्लिसिटली अपने डिजायर्स आगे रख रहा है। नो टंग इन चीक ह्यूमर, नो रनिंग अराउंड द बुश, ही इज एज क्लियर इन हिज डिमांड्स एज पॉसिबल। यस, डिमांड्स एंड विशेस। लेकिन अभी बदन और फिजिकल इंटीमेसी की ख्वाहिश जो अट्रैक्शन की शक्ल इख्तियार करती है, उसकी बात करते हैं। सो व्हेन यू आर क्रशिंग ओवर समवन सो बैडली, तो सबसे पहला जज्बा जो आपको घेर लेता है वो है अट्रैक्शन का। किसी फिजिकल चीज से पहले कशिश का सिलसिला बनता है, फिर कुर्बतें यानी नजदीकी की ख्वाहिश की जाती है। सो क्रोनोलॉजी समझिए आप, कशिश और कुर्बत वर्ड्स पर उर्दू नामा के एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और समझ आ जाएगा कि क्या स्टेप्स होते हैं। प्यार इश्क मोहब्बत के फरवरी के महीने में हमने 4 स्पेशल एपिसोड्स किए थे जिसमें ये जो स्टेजेस ऑफ लव हैं उस पे बात की थी। तो ये सब आपको या तो क्विंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो आपके पसंदीदा पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिल सकता है, जैसे कि स्पॉटिफाई पर। तो जो अट्रैक्शन की बात मैं कर रही थी उसे अहमद फराज के इस शेर से समझा जा सकता है जब वो लिखते हैं कि सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। तराशना यानी कंस्ट्रक्शन या किसी चीज को बनाने का ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज को छील कर, ट्रिम करके खूबसूरत पैटर्न्स या शेप बनाए जाते हैं। कार्विंग का भी मतलब तराशने का होता है। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है,
कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। कबा यानी एक ढीला सा गारमेंट, कपड़ा। इसका मतलब इस शेर में फिजिकल फॉर्म से है, बदन से है। तो शायर महबूब की खूबसूरती की बात करता है कि खुदा ने उसके बदन को इतनी खूबसूरती से तराशा है कि फूल तक अपनी कबाएं यानी अपने जिस्म को कतर के देख रहे हैं कि वो भी उसके महबूब के जैसे खूबसूरत कैसे दिखे। और महबूब से उल्फत का आलम आप तब समझ पाएंगे जब मैं पूरी तो नहीं लेकिन हाँ इस तवील गजल के कुछ अशआर आपको सुनाऊंगी। सुनाऊं? ओके। अहमद फराज लिखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। महबूब की खूबसूरती को परवीन शाकिर के इस शेर में खुश बदन भी कहा गया है। लिखती हैं, कभी कभार उसे देख लें कहीं मिल लें, ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो। अब राहत इंदौरी का आप ये शेर सुनिए और बताइए कि इसमें कागज के बदन से उनका क्या मतलब है। ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन, ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। कागज के बदन से क्या लगता है, शायर खुद के बारे में क्या कहना चाहता है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शायर का कागज के बदन से मतलब है कि वो खुद को काफी कमजोर और डेलिकेट बता रहे हों। कागजी का मतलब तो डेलिकेट होता है, कागज की तरह जो हो, आसानी से जो फट जाए। तो शायर खुद को ये कह रहे हैं कि अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, या शायद अब मुझमें हवाओं को यानी मुश्किल हालात को झेलने की ताकत नहीं है, तो दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रख दो। अब जो मैं कह रही थी कि जिस्म का ताल्लुक सीधा दिल से जज्बात से है, तो वही बात मिर्जा गालिब भी यहाँ कह रहे हैं, उनको भी आप सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अब जब अट्रैक्शन ही खत्म नहीं होती किसी से, तो उसके बारे में तो इंसान फिर सोचता ही सोचता रह जाएगा, हर वक्त वही चीज उसके जहन पे तारी रहेगी। और फिर जब वो महबूब के ना खत्म होने वाले इंतजार से ऊब जाएगा, तो फिर वही कहेगा जो निदा फाजली अपने शेर में कह रहे हैं, वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा ना बदन है, वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा ना बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। यानी वो इंसान जिसका तसव्वुर मेरे जहन में है, उसका चेहरा तक मैं भूल गया हूँ, उसका बदन कैसा महसूस होता था वो तक याद नहीं है मुझे, याद है तो बस उसका ख्याल। वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा ना बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। पूरी गजल सुन लीजिए, आज जो मैं अशआर लेकर आई हूँ एक्चुअली उन गजलों या नज़मों में से हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनको बिना शेर के मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो आगे भी पॉडकास्ट में कुछ ऐसे अशआर आएंगे, मैं पढ़ूंगी फिर मैं कहूँगी अच्छा जी पूरी गजल अब आप सुन लीजिए। तो उसी तरह निदा फाजली की ये गजल भी अब आप पूरी सुनिए। लिखते हैं, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता,
जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा ना बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। अब आते हैं जी सेक्सुअल डिजायर्स के एक्सप्लिसिट नेचर पर, और सबसे पहले आपको सुनाऊंगी जान निसार अख्तर का ये शेर, विच टेल्स अस कि कैसे जिस्म इज ओनली सेक्सुअल इन नेचर, बाकी सारी आदाब तहजीबें मैनरिज्म्स आर ओनली सोशल कंस्ट्रक्ट्स एंड कंडीशनिंग ऑफ ह्यूमंस। लिखते हैं, सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना ये फकत आग बुझाने के लिए है। कैसे एक शेर में उन्होंने एक सिंपल सी बात कह दी, दैट इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल डिजायर्स। जान निसार अख्तर की यह गजल उनकी सबसे मशहूर गजलों में गिनी जाती है, तो इसके और कुछ अशार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं मेरे ख्याल में, पढ़ लेते हैं। ओके, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना ये फकत आग बुझाने के लिए हैं। आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। ये आखिरी वाला तो दिल पे छप जाता है, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, किताबें, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। कितनी सच्चाई है ना इस बात में, बताइए। खैर, बदन और सेक्सुअल डिजायर्स की अगर बात करें और जान निसार अख्तर के इसी पहले शेर का हवाला अगर मैं दूं कि सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना ये फकत आग बुझाने के लिए है, यानी समाज में रहने के लिए जो बिल्कुल बेसिक नेचर होता है वो भूलना पड़ता है, जैसे कि जिस्म का मकसद ही फिजिकल प्लेजर के लिए है। और फिजिकल प्लेजर की बुनियाद कहाँ से आती है? सेक्सुअल सिलेक्शन से। यस, चार्ल्स डार्विन की जो थियोरी है वो यही कहती है कि नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन का एक अहम प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को अडैप्ट करता है, सर्वाइव करता है, और फिर अपनी ट्रेट्स यानी अपनी वो जीन्स आगे अपने बच्चों में पास ऑन करता है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाया। अब यहाँ बात आ गई रिप्रोडक्शन की, तो डार्विन ही की एक और प्रपोज थियोरी ऑफ सेकेंडरी एजेंसी की बात करेंगे, जिसमें वो सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल फीमेल को अपने फिजिकल ट्रेट से लुभाने की कोशिश करता है, मतलब जो मेल है वो फीमेल को रुझाने की कोशिश करता है। उनकी थ्योरी दो चीजों पर फोकस करती है, पहला ये कि मेल्स के बीच में कंपटीशन होता है, और दूसरा ये कि फीमेल चॉइस को काफी अहमियत दी गई है, कि फिर फीमेल चॉइस ही डिसाइड करती है कि कौन सा मेल उसके लिए मेटिंग के लिए रिप्रोडक्शन के लिए बेहतर है। तो फीमेल्स के पास एजेंसी होती है टू डिसाइड द स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मेल, जिसके साथ वो मेट करना चाहती है। अब साइंस से एक सपोर्टिंग एविडेंस समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी का आप ये शेर सुनिए, वसल की पूरी तस्वीर सिर्फ दो मिसरों में दिख सकती है। लिखते हैं, बदन के दोनों किनारों से जल रहा हूं मैं, बदन के दोनों किनारों से जल रहा हूं मैं, कि छू रहा हूं तुझे और पिघल रहा हूं मैं। साहिर लुधियानवी की गजल का आप ये शेर सुनिए,
अगैन ऑन डिजायर्स एंड इंटिमेसी। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। एक्सप्लेन ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इस गजल के और कई अशआर हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। तो फिजिकल इंटिमेसी, ब्यूटी और डिजायर्स पर ही समाज के तमाम सिस्टम्स और इंडस्ट्रीज चलती हैं। ब्यूटी इज द मेन ड्राइवर फॉर मोस्ट आर्ट, लेकिन कई बार आर्ट फॉर्म के अपने ऐसे पेचीदा ग्रामर होती है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता है, चाहे पोएट्री हो या विजुअल आर्ट हो। अप्रिशिएट करने के लिए एक तरह की इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, मतलब एक लेवल पे जाके आपको वो आर्ट अप्रिशिएट करना होता है। लेकिन वो आर्ट, मिसाल के तौर पर अगर पोएट्री की बात करें, अगर पोएट्री ऐसी लिखी हो कि पढ़ने में हल जोतने जैसा एहसास ना हो, ऐसा लगे ही ना कि रीडिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट वॉज एन अपहिल टास्क, तो उस आर्ट को क्या कहेंगे? ऐसी पोएट्री को क्या कहेंगे? ऐसी पोएट्री को कहेंगे गुलजार की शायरी। यस, नेक्स्ट एपिसोड इज ऑल अबाउट गुलजार साहब एंड हिज कॉकटेल ऑफ वर्ड्स, एंड अगला एपिसोड इज गोइंग टू बी अ वीडियो पॉडकास्ट, अ वॉडकास्ट, एंड मेरे साथ होंगी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंडिया से निकलने वाली गुलजार साहब पर वाहिद एकेडेमिक रिसर्च की हुई है। सो अगले हफ्ते का एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, डोंट मिस इट। रिमाइंडर डाल लीजिए अगले सैटरडे का, और द क्विंट को अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरन कर लीजिए, बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन फॉर दैट। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।